सत श्रीकाल सारियां नूं, मेरा नाम गगनदीप द वीज़ा ऑफिक तो एक बार फिर हाजिर होया इस चैनल के थ्रू ऑस्ट्रेलिया के लेटेस्ट अपडेट्स नूं लैके। सो वो चीज़ दसन तो पहला मैं चाहवांगा कि जिहड़े भी व्यूअर्स इस चैनल से जुड़े ने या जुड़ चुके ने, इस चैनल सबसक्राइब करन और चैनल नूं वध तो वध शेयर करन अपने फैमिली अपने फ्रेंड सर्कल्स के नाल, ताकि हर कोई एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे नाल अप टू डेट रहन। सो अज जी आप गल कर रहे हैं कि किदा आप रिफ्यूजल, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का अगर किसी का भी स्टडी वीज़ा का रिफ्यूजल आ चुकिया है, सो जिदा कि सुनने को मिलता ना कि दोबारा आप फाइल नहीं लगा सकते या दोबारा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देता। सो अज यह टॉपिक उ चीज़ वास्ते हैगा कि हाउ टू गेट वीज़ा आफ्टर रिफ्यूजल, यानी कि रिफ्यूजल आने तो बाद किदा वीज़ा ले सकते हैं। सो जी देखो, जिदा आप कहते आ रहे हैं कि 2023 वो साल जाएगा जिदे भरपूर वीज़ाज देखोगे। सो इदा तो ही एक सुनहरा अवसर होया जी 2023 के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर आते ही हूँ जिहड़ा है मिड ऑफ जनवरी के पहुँच चुके हैं, जिदे एक बच्चा सी जी। पहले मैं थोड़ा जहा इलाबरेट कर देना, थोड़ा ब्रीफिंग दे देना उस बच्चे के बारे कि उस बच्चे ने अपनी फाइल लगाई सी जी ऑस्ट्रेलिया तो, उन्हें अपनी फाइल लगवाई वो किसी कजन से थ्रू। सो जो फाइल लगाएगी बच्चे के परसेंटेज की अगर गल करिए 90+ मार्क्स है ने, प्लस पीटी की अगर गल कर लिए तो रीसेंट पास आउट बच्चा जी, तो नाले पीटी जी है एटमोस्ट अगर गल करिए आइल्स इक्विवेलेंट अगर उन्होंने गल कंसीडर करिए तो नीयर अबाउट 8 बैंड सी, तो भी उस बच्चे का रिफ्यूजल आ गया। और रिफ्यूजल आन तो बाद उस कंसल्टेंट ने बिना कोई उदी COE अपडेट कराए, बिना ही कुछ किए, तुम्हें पता है कि अगर एक बार रिफ्यूजल हो जाता है अगर ऑस्ट्रेलिया का, तो दोबारा उदी COE लेना थोड़ा औखा हो जाता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तो, क्योंकि उन्होंने फिर दोबारा उदी तड़पा अपनी पूरी पड़ताल करनी है चंगी तरीके नाल, एक एक चीज़ नूं चेक करना है, क्रॉस चेक करके ही उन्होंने अगे वो चीज़ करते हैं सेंक्शन, बट बहुत औखा हो जाता है। तो वो चीज़ के करके बिना उन्हें कॉलेज में दसे, बिना यूनिवर्सिटी में दसे, उन्हें उसकी फाइल दोबारा लॉज की, और लॉज करने तो बाद जो एम्बेसी ने उन्हें तो उसकी COE अपडेटेड COE की डिमांड रखी गई। सो कॉलेज तो जो उन्होंने दसिया कि सानू अपडेटेड COE चाहिए, तो कॉलेज ने यूनिवर्सिटीज ने उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई तुसी बिना सानू दसे तुसी अपनी फाइल लॉज की आफ्टर गैटिंग द रिफ्यूजल, तुसी क्यों कीती तुसी सानू दसना से, तो कॉलेज ने डिनाई करता कि असी COE नहीं दे सकते। सो बच्चा अगेन रिफ्यूज़ होता है, और रिफ्यूज़ होने तो बाद जो तो बच्चा विजिट किया परसनली, विजिट करने तो बाद जो तो पूरी फाइल के उत्ते व्यू किया गया, अच्छी तरीके रिव्यू किया, स्टडी की गई, सो वो जोड़े कारण से उस फाइल के, मैं हर केस वास्ते नहीं कहूँगा इतने, बट यस जिन्हें परसेंटेज वधिया है रीसेंट पास आउट है, स्टडी विच कोई गैप नहीं है, आइल्स या पीटी विच बहुत वधिया बैंड लिते हुए ने, और किसी अनसर्टेन रीजन करके अगर एम्बेसी ने तुहानू डिनाई किया है रिफ्यूज़ किया है, सो यस वी कैन वर्क ऑन दोज फाइल। और इस चीज़ का तो एम्बेसी वालों, यानी कि हाई कमीशन वालों भी, उन्होंने गवर्नमेंट वालों भी यह चीज़ की ट्वीट हुई सी, जिदे विच उन्होंने कहा सी कि अगर किसी का वीज़ा इदा रिफ्यूज़ होया है, वी कैन जो रिफ्यूजल केस ने, वी कैन अगेन उन्होंने आप कर सकते हैं अंडर कंसिडरेशन लैके, उन्होंने उत्ते आप देख सकते हैं फाइल लॉज हो सकती है, और वो उत्ते आप अपना डिसीजन देख सकते हैं। सो वो चीज़ भी उन्होंने क्लीयरली कही सी, बट नॉट ऑन एवरी पार्ट, हर चीज़ के उत्ते नहीं, यह नहीं है कि हर केस में तुसी रीअप्लाई कर सको, नहीं, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिहड़ा तुहाडे रिफ्यूजल लैटर्स विच आए ने उस चीज़ के उत्ते स्टडी आउट करके डेफिनेटली असी उहदा एक डिसीजन लै सकते हैं कि फाइल वो लग सकती है दोबारा ऑस्ट्रेलिया दे विच या नहीं, जे लग सकती है तो किस तरीके नाल लग सकती है, किस किस पार्ट ते सानू कम करना पेगा। सो वो सारी चीज़ों के उत्ते वर्कआउट किया गया उस बच्चे की फाइल के उत्ते, और उहदा वीज़ा ग्रांट हो गया, जिहड़ा कि एक बहुत वधिया चीज़ देखने नूं मिली ऑस्ट्रेलिया दे एंड तो। सो वो चीज़ हुण कित्थे ना कित्थे ऑस्ट्रेलिया वालों भी दर्शाई जांदी पई है कि उन्हां नूं भी बच्चे चाहिए ने, और स्किल लेबर शॉर्टेज नूं देखदे हो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन्ने ज़्यादा हुण खोल दिते गए ने, जिदे विच अगे जाके बच्चों नूं PR लैण नूं विच भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आई ओ चीज़ क्लीयर कर देंदी है, प्लस हाली पिछे उन्होंने एक स्टैट्स भी कढ़े सी
जिदे च उन्होंने दस्या कि उन्होंने किन्ने इमीग्रेंट्स चाहिए ने। सो वो सारी चीज़ों की अगर कैलकुलेशन करिए बैक ऑफ द माइंड विच ते वो कितने ना कितने रिजल्ट उदा बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग दिखाता है, यानी कि पॉजिटिव दिखाता है। सो आई रिक्वेस्ट हेयर फ्रॉम दिस वीडियो वो सारे बच्चों नूं कि अगर उन्होंने रिफ्यूजल आया, जिहड़े बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाई सी और उन्होंने किसी भी कारण करके रिफ्यूजल आया, एक बार जरूर मेरी ब्रांच विजिट करो, चाहे जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, तीन जगह अपने ऑफिसेज ने, कितने भी तुसी विजिट कर सकते हो। आने तो पहले अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बनायो, जिहड़ा नंबर है 90410 90410। अगर तुहाडी फाइल दे उत्ते वो काम होने वाला होएगा, डेफिनेटली असी तुहाडी फाइल ऑस्ट्रेलिया वास्ते लगा सकते हैं और तुहाडे भी वीज़ा लैन का दम रख सकते हैं। सो जरूर विजिट कर लो। अगर तुहानू लगता है तुहाडी कोई भी होर भी अगर कोई अदर क्वेरीज नहीं है, तुसी अपनी प्रोफाइल की असैसमेंट लेना चाहते हो, ता भी तुसी इसी नंबर ते रह के अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट बना के तुसी स्ट्रेट अवे मैनू भी मिल सकते हो, नहीं तो मेरी एक्सपर्ट पैनल टीम के नाल मिल के अपनी प्रॉपर असैसमेंट लैके अपने स्टडी वीज़ा के केस नूं अगे प्रोसीड कर सकते हो। इहदे नाल वीज़ा ऑफिस के थ्रू तुहानू एक सर्विस होर मिलती है कि तुसी अपने ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के केस नूं एक पूरे पैकेज के तौर पर भी चला सकते हो, यानी कि तुसी सारे पैसे दे सकते हो वीज़ा लगन तो बाद। सो मार्च इनटेक ते हाली भी कई सीट्स अवेलेबल्स हैगियां, प्लस जुलाई इनटेक भी ओपन हो चुकिया है। सो बिना डिले किते अपने ऑस्ट्रेलिया का सपना अगर पूरा करना चाहते हो, सानू कॉन्टैक्ट करो 90410 90410। सो अज वास्ते इन्ना ही, बने रहो इस चैनल ते, तुहाडे नाल फिर हाजिर होवांगे ऑस्ट्रेलिया के लेटेस्ट अपडेट्स नूं लैके। टिल द टाइम थैंक यू सो मच।